नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ड्रीम इलेवन प्रिडिक्शन के बारे में देखते हैं, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है नंबर वन पे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो अच्छे प्लेयर हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद बता रहा हूँ। हेनरिक कैलरसन अगर ये खेलते हैं तो ये आज बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेविड मिलर, बाबर आजम और इमाम उलहक, ये चारों प्लेयर मैंने बैट्समैन में रखा है। बैट्समैन की कैटेगरी में मैंने इनको सेलेक्ट किया है। मेरे को ऐसा मेरा अपना प्रिडिक्शन है, और मेरा प्रिडिक्शन ऐसा नहीं है, मैं 100% अपना देता हूँ और कुछ सोच करके ही लाया हूँ। तो आप लोग रख सकते हैं इनको। और बात करते हैं बॉलर की, तो बॉलर में आप ये चार प्लेयर दिख रहे हैं आपको, एंड्रिस नॉर्जी, लुंगी नेगड़ी और साइन अफरीदी और मोहम्मद हसनैन, ये आप लोग को आप रख सकते हैं। और जहाँ तक उम्मीद, आज ये लोग बहुत बेटर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग आज फैंटेसी के नंबर वन प्लेयर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे की प्रोसेस। मैंने आगे में दिल रखा है, मैंने उन प्लेयर का नाम लूँगा, मैं उनको सेलेक्ट करूँगा जो जिसको आप रख सकते हैं फैंटेसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले साउथ अफ्रीकन स्क्वाड देखेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड देखेंगे। आज साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में उम्मीद करता हूँ ये कोई चेंज नहीं होने वाला है, या फिर पाकिस्तान में अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा फिर। तो ये प्लेयर जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लोग सारे लोग टीम इलेवन में हैं। तो स्टार्ट देखते हैं आगे किसको किसको आप लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साउथ अफ्रीकन स्क्वाड में बोलूँगा, आप टी बाउमा को रख सकते हैं, एडन मार्कन मकरम जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, टी बाउमा भी बहुत अच्छा प्लेयर है। किसी भी प्लेयर पे आप लोग शक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसको रख सकते हैं किसको नहीं रख सकते हैं उसके बारे में ही हम लोग देखते हैं, और कैसे फैंटेसी का नंबर वन प्लेयर बन सकते हैं। तो टी बाउमा जो है अच्छा, इस समय उनका परफॉर्मेंस मैंने बहुत दिनों से इनको देख रहा हूँ कि ये अच्छा खेलते हैं और अच्छा करते हैं। अगर ये क्रीज पर रह जाए तो रन की झड़ी लग जाती है। एडम मकरम भी अच्छा खेलते हैं, रॉस बेंडेर डुशेन भी अच्छा खेलते हैं, और आप इनको रख सकते हैं जो एडाइल फेलकाओ हैं, ये इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको भी आप रख सकते हैं। और क्विंटन डिकॉक तो को पूछना ही नहीं है, इनको तो सब जानते हैं। और रही बात बॉलिंग की, तो आप लुंगी नेगड़ी को भी रख सकते हैं, इंड्रिस नॉर्जी को भी रख सकते हैं, और कवि कैगिशो रवाडा भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप इनमें से जिसको चाहें उनको रख सकते हैं। पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें हम लोग, तो बाबर आजम है जो कि बहुत अच्छा करते हैं, और देखें कि पिछली बार इन्होंने एक रिकॉर्ड ही बना डाला, इनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं हम लोग। और इमामुल हक ये भी अच्छा खेलते हैं, थोड़ा ये स्लो करते हैं, लेकिन स्लो करने के बाद आप लोग फ़खर जमान अगर खेलते हैं तो इनको भी खिला सकते हैं। और फहीम अशरफ वाकई काफ़ी अच्छा, इनकी लाजवाब मतलब पूछना ही नहीं है, आप इनको रख सकते हैं। ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज हैं, ये भी अगर खेलते हैं तो हम लोग देखे थे पिछली बार एक बार कोई मैच था उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मोहम्मद रिजवान है, और बॉलर में आपको हरीश रऊफ और शाहीन अफरीदी, किस दोनों को तो रखना ही है रखना। तो चलिए अब लोग हम लोग देखते हैं फैंटेसी, लोग मोहम्मद रिजवान को रख सकते हैं या फिर क्विंटन डिकॉक दोनों को रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा आज भरोसा करूँगा मोहम्मद रिजवान पर, तो मोहम्मद रिजवान को रखता हूँ। और बैट्समैन में मैं बाबर आजम को लूँगा, और बाबर आजम के बाद मैं टी बोमा को आप ले सकते हैं या फिर ए मकरम को भी ले सकते हैं। मैं फ़खर जमान को भी देख सकते हैं आप लोग, मैं रखूँगा इमामुल हक को, और ये दोनों प्लेयर और इनको रख सकते हैं। आरवेंडर हुसैन है, इनको भी रख सकते हैं, इनको तो मैं लूँगा ही लूँगा, मेरी अपनी पर्सनल राय है, पर्सनल ओपिनियन है, तो इन तीनों प्लेयर को मैंने ले लिया। फिर उसके बाद मैं अगर आप चाहे तो डेविड मिलर को भी रख सकते हैं, या फिर तो मैं आप इनको हटा करके इनको आर वे हुसैन को हटा करके या फिर इमामुल हक को हटा करके डेविड मिलर को रख सकते हैं, या फिर फ़खर जमान को, मैं इन तीनों को लूँगा। मैं ज़्यादा भरोसा दिखाऊँगा आज ऑलराउंडर पर। आप फहीम अशरफ इनको ले सकते हैं, उसके बाद इनको, और बॉलिंग में साइन अफरीदी, नॉर्टी और कबराबाडा, और एक बैट्स आप लोग चाहे तो ऑलराउंडर में इनको भी रख सकते हैं। चार ये लोग हो गए,
और एक 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 और बैट्समैन ले लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग किसको रखते हैं, बुमरा को रख लेते हैं, ये अच्छा करते हैं। मेरी पर्सनल, और मैं बनाऊंगा इनको कैप्टन और बाबर आजम को वाइस कैप्टन, और मेरी ये टीम रही। सो टीम में चलते हैं और टीम में देखते हैं, ये मेरी टीम रही। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग अगर चाहें तो ये भी टीम बहुत सही है, ये भी टीम बहुत सही है। ये प्लेयर भी जो है अच्छा करेंगे, इनको भी रख सकते हैं। दो बॉलर हैं साउथ अफ्रीका, और ये साइन अफरीदी तो बिल्कुल विकेट निकालते हैं, और ये दो ऑलराउंडर हैं फहीम अशरफ और एश खान, और इनको भी रख सकते हैं। ये अपनी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, उसके बाद आप लोग चाहें तो ये टीम भी रख सकते हैं। क्या हुआ भैया, इधर कोने में खड़े हो गए। चलिए ठीक है।